स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो एडवोकेट अंजलिवस्ती में आज की इस कहानी में ऐसे कई मोड़ आने वाले हैं जो रिश्तों और संघर्षों की बुनियाद को हिला देंगे। रमेश भाई का दिल अमन की सच्ची मोहब्बत और उसकी निष्ठा देख कर पिघल जाता है और इंस्पेक्टर पंकज से मिली जानकारी के बाद चंद्रभान ठाकुर और उनके बेटे युवराज ठाकुर पर शक बढ़ता है। दूसरी ओर गिनी के घर वालों की आर्थिक तंगी की खबर ने राघव सिंह राजपूत को कुछ ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है जिसका असर हर किसी पर पड़ सकता है। और दिवाली के मौके पर होने वाली घटनाएं रिश्तों को जोड़ेंगी या तोड़ेंगी यह देखना होगा। रमेश भाई अमन से इम्प्रेस हो जाते हैं कि अमन एक ट्रू लवर है, कैसा पिता और कैसा पुत्र। अब रमेश भाई उनके शिष्य अमन की मदद से अर्जुन को एक नए सिरे से इस लड़ाई के लिए तैयार करने का सोचते। दूसरी तरफ गिनी के परिवार की आर्थिक तंगी सामने आने पर राघव सिंह राजपूत सपना को घर में काम पर बुलाते और दिवाली के मौके पर जब नंदिनी सपना की खुलेआम बेइज्जती करती है तो अंजलि अपनी माँ की यह हालत देखकर टूट जाती है। रमेश भाई अंजलि की मदद करने के लिए अमन की सहायता लेते जो अंजलि के परिवार के लिए खाना लेकर जाता है और सबको संभालने की कोशिश करता है। इसी समय अंजलि अपने पापा के इलाज के लिए अपनी स्कूटी बेचने का फैसला करती है जिसे देखकर अमन उसकी मदद करने की कोशिश करता है। देखना तो ये होगा कि क्या रमेश भाई और अमन मिलकर अंजलि को संभाल पाएंगे, क्या अंजलि युवराज के बारे में सच्चाई जान पाएगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। जानने के लिए देखना ना भूलिए यह दिलचस्प एपिसोड सिर्फ स्टार प्लस पर।